हेलो दोस्तों, स्वीट रीइंकार्नेशन के बिल्कुल नए एपिसोड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वीट रीइंकार्नेशन एपिसोड नंबर 4 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में पेस्ट्री और उसके फादर के पास ले जाया जाता है, जहां पर वो दोनों आए थे ड्यूक कैडलिक से मिलने। ड्यूक कैडलिक बोलते हैं, बहुत दिन बाद मिले मॉर्टेलन। इसके बाद पेस्ट्री के फादर बोलते हैं ड्यूक कैंडलिन, अपने ग्रैंडसन के एडल्ट होने की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन यहाँ पर ड्यूक बोलते हैं उसका सिर्फ बॉडी भरा हुआ है, लेकिन वो अपने मन से एक बच्चा है। इसके बाद ड्यूक के ग्रैंडसन आते हैं और ड्यूक यहाँ पर अपने ग्रैंडसन से सबको मिलाता है। ड्यूक बोलता है, ये रहा मेरा ग्रैंडसन सिक्वेल। वो हाल ही फिलहाल में मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होकर आया है और अपने क्लास में उसने टॉप किया है। इसके बाद पेस्ट्री के फादर बोलते हैं, वाह बढ़िया बात है। इसके बाद हम लोग को सिक्वेल को देखने को मिलता है, जो काफी ज्यादा नर्वस था। इसके बाद पेस्ट्री के फादर सिक्वेल को ग्रीट करते हैं, लेकिन सिक्वेल इतना ज्यादा नर्वस था कि वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसके बाद सिक्वेल के ग्रैंडफादर उसको डांट के बोलते हैं, सही से खड़े रहो। इसके बाद ड्यूक बोलते हैं, मुझे माफ कर देना लॉर्ड मॉर्टेन, लेकिन ये आपका काफी बड़ा फैन है और ये आपसे मिलने का राह देख रहा था। लगता है आप अभी भी यंगस्टर के बीच में काफी पॉपुलर है। इसके बाद पेस्ट्री के फादर पेस्ट्री को सभी के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद पेस्ट्री बहुत ही फॉर्मली सबको अपना ग्रीटिंग देता है, जिसको देखकर ड्यूक काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो सोचने लगता है ये बच्चा। इसके बाद पेस्ट्री बोलता है, आपको ग्रैंडसन की एडल्ट होने की बहुत बहुत बधाइयां। इसके बाद ड्यूक बोलते हैं, वाह क्या बात है, तुम मेरे ग्रैंडसन से भी काफी मैच्योर दिखते हो और हाँ तुम भी अपनी एडल्टहुड को अचीव कर चुके हो, है ना, क्या तुमको अपना मैजिक एबिलिटी मिला? पेस्ट्री बोलता है, हाँ भगवान ने मुझे मैजिक एबिलिटी से ब्लेस किया। इसको सुनकर ड्यूक काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और आसपास के लोग यहाँ पर मॉर्टेलन फैमिली के बारे में बातचीत करते हैं। वो बोलते हैं, मॉर्टेलन फैमिली सच में ब्लेस्ड है। इसके बाद ड्यूक बोलते हैं, तो क्या तुम हमें तुम्हारा मैजिक दिखा सकते हो? पेस्ट्री बोलता है, ठीक है योर एक्सलेंसी, अगर ये आपका इच्छा है तो मैं आपके ख्वाहिश को पूरा करूंगा। इसके बाद पेस्ट्री एक रूमाल लेता है और रूमाल पे अपने मैजिक से एक लड़की का ड्रॉइंग बनाता है, जिसको देखकर ड्यूक और ड्यूक का ग्रैंडसन दोनों ही काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। इसके बाद ड्यूक बोलता है, अच्छा तो तुम अपने मैजिक से पिक्चर्स को बना सकते हो। ड्यूक का ग्रैंडसन इस लड़की की पिक्चर को देखकर बहुत ही अट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद पेस्ट्री बोलता है, ये ज्यादा कुछ नहीं है, मैं इस गिफ्ट को लॉर्ड सिक्वेल के लिए रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ये हमारे तरफ से और ह्यूबरिक फैमिली की तरफ से गिफ्ट है। इसको सुनकर ड्यूक बोलते हैं, क्या मैक्री पॉप ह्यूबर्क? तभी पर ड्यूक सोचते हैं, लगता है वो अपने बेटी के लिए यहाँ पर नहीं आया है। पेस्ट्री बोलता है, हाँ आपने सही बोला, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं ये मार्क्वेस फैमिली के थर्ड डॉटर लेडी पीटरा है। इसके बाद पेस्ट्री बोलता है, हम लोग कुछ ही दिन पहले उनकी डोमेन पे गए थे और लेडी पीटरा से मिले। जैसे कि आप जानती हैं कि मार्क्वेस अभी अपने नेबर कंट्री के साथ लड़ाई में है, तो इसलिए लेडी पीटरा अपने घर से नहीं निकल सकती, तो उन लोगों ने हमें लेडी पीटरा को फैशन के साथ इंट्रोड्यूस करवाने को बोला। इसके बाद हम लोग को ड्यूक के ग्रैंडसन के पास ले जाया जाता है, जो तभी भी लेडी पीटरा के पिक्चर को देख रहा था। वो बोलता है, लेडी पीटरा काफी क्यूट है और वो काफी सुंदर भी है। तभी पर पेस्ट्री अपना चांस देखकर बोलता है, नेक्स्ट मंथ लेडी पीटरा एडल्ट बनने वाली है और लॉर्ड सिक्वेल मैं आपको तभी इनवाइट करना चाहता हूँ। सिक्वेल यहाँ पर बिना सोचे समझे हाँ कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पर ड्यूक सोचता है, अरे बुद्धू तूने बिना सोचे समझे हाँ कर दिया, ये तो एक मैरिज प्रपोजल है, मैं इस बच्चे को अभी एक बच्चा नहीं समझ सकता। इसको ड्यूक बोलता है, शांत हो जाओ सिक्वेल, क्योंकि वो लॉर्ड हार्मबर्ग की डॉटर है तो मैं तुमको उस पार्टी में जाने का इजाजत नहीं दे सकता। लेकिन तभी यहाँ पर पेस्ट्री बोलता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आखिरकार मेरे फादर का पावर कब काम आएगा। सिक्वेल तभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बोलता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है ग्रैंडफादर, लॉर्ड मॉर्टेन के होते हुए हम लोग को किसी भी बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद पेस्ट्री ड्यूक को यहाँ पर राजी करवाने के लिए बोलता है। सुनने को मिला है कि लॉर्ड हार्मबर्ग के मन में कुछ डाउट्स है, शायद ये बहुत लंबे वक्त से होने वाले फाइट की वजह से है। ड्यूक बोलते हैं, अच्छा इंटरेस्टिंग है। ये बात बोलने के बाद ड्यूक भी यहाँ पर काफी हद तक राजी हो जाता है और सब कुछ पेस्ट्री और उसके फादर के हाथ में आ जाता है। इसके बाद पेस्ट्री और उसके फादर जब वहां से जाने वाले थे, तभी पर सिक्वेल बताता है, हे पेस्ट्री क्या तुम लेडी पीटरा की और एक पिक्चर बना सकते हो, और हाँ अगर तुम इसको और थोड़ा वो बना सकते हो तो प्लीज वैसा कर दो। इसको सुनकर पेस्ट्री सोचता है, आखिरकार सभी लड़के एक ही होते हैं। इसके बाद हम लोग को एक बार फिर से मॉर्टेन विलेज पे ले जाया जाता है, जहाँ पर विलेज के लोग विंटर की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद हम लोग को पेस्ट्री के डैड के पास ले जाया जाता है और वहाँ पर पेस्ट्री के डैड के सहायक बीटवेन भी थे। बीटवेन यहाँ पर बोलता है, ऐसे लोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जो अपने विलेज के लोगों को अपने खुद के पैसे देकर उनके खुद के काम पे लगाने को बोलते हैं। लेकिन पेस्ट्री के फादर बोलते हैं, ये मेरी नजरों में उतनी भी बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वो दोनों जैसे बात कर ही रहे थे,
तभी पर पेस्ट्री वहाँ पर आ जाता है। पेस्ट्री बोलता है, मैंने आप लोगों को कुछ स्वीट के बारे में बोलते हुए सुना, क्या आप लोग डेजर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे? यहाँ पर बीटवेन बोलता है, बच्चे तुमको नॉक करके आना चाहिए। लेकिन पेस्ट्री बोलता है, मैं बाहर से तुम दोनों का हंसने की आवाज सुन रहा था तो मैंने सोचा कि ऐसे आ जाऊं। इस वक्त पेस्ट्री अपने फादर को दो लेटर देता है और बोलता है, मुझे ये दो लेटर आप तक डिलीवर करने का काम सौंपा गया था। पेस्ट्री के डैड उस लेटर को पढ़कर देखते हैं, उन लोगों को जो पैसे की कमी थी वो फाइनल जाकर सॉल्व हो गई थी और उन लोगों को 20,000 सिल्वर कॉइन मिले हैं। और उसके साथ साथ लेटर में ये भी लिखा था कि लॉर्ड कॉयल का एंगेजमेंट लेडी पेट्रा के साथ डिसाइड हो चुका है। इस वक्त पेस्ट्री सोचने लगता है कि उसने कैसे लेडी पेट्रा के साथ लॉर्ड सिक्विल का एंगेजमेंट कंफर्म किया। पेस्ट्री जब इन सब के बारे में सोच रहा था तभी उसको चर्च के बारे में भी याद आता है। वो बोलता है, यहाँ पर सभी लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन है लेकिन वो इन्फॉर्मेशन वो सभी को नहीं देते, लेकिन जब उन लोगों के पास पैसा आता है तो वो लोग कुछ भी देने के लिए राजी है। इसके बाद हम लोगों को लेटर से ये भी जानने को मिलता है कि पेस्ट्री की डेड को लेडी पेट्रा के एस्कॉर्ट होने का गुजारिश किया गया है, जिनके बदले में उन लोगों को 30 गोल्ड पीसेस मिलने वाले थे। इसको सुनकर फ्यूएल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है, हम लोग इस पैसे से कुछ और घर को बिल्ड कर सकते हैं। इस बात को सुनकर पेस्ट्री सोचता है, ये पैसा लेडी पेट्रा को गार्ड करने के लिए है, हमारे लिए नहीं है। फादर लेडी पेट्रा को खतरे से तो बचा सकते हैं लेकिन उनके अकेले के लिए गार्ड्स को और हम्बरिक फैमिली के लोगों को एक साथ ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होगा, तो इसके लिए हम लोगों को कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बोवाल्डिया में पहुंचने के बाद लेडी पेट्रा को गार्ड करने के लिए, बोवाल्डिया एक अनफेमिलियर जगह है जो एक डिसएडवांटेज हो सकता है, तो शायद ये पैसा हमारे लिए नहीं लोकल मर्सनरीज को खरीदने के लिए है। लेकिन क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि दुश्मन कहां पर छिपे हुए हैं, सिर्फ मर्सनरीज काफी नहीं होंगे। तभी पेस्ट्री बोलता है, ये मैरिज दो पावरफुल फैमिली के बीच होने वाले हैं, उनका इंटरव्यू भी लेना चाहेंगे तो हम लोगों को अपना गार्ड भी बहुत ही करा रखना पड़ेगा। इसके बाद पेस्ट्री के फादर बोलते हैं, अगर हम लोगों ने इन दो फैमिली का ट्रस्ट गेन कर लिया तो ये फ्यूचर मोटेरियन के डेवलपमेंट के लिए अच्छा होने वाला है। इसके बाद पेस्ट्री कुछ देर सोचकर बोलता है, मेरे पास एक परफेक्ट आइडिया है लेडी पेट्रा को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर एक रूम है जहाँ पर कोई भी दरवाजा नहीं है और कोई भी खिड़की नहीं है और सिर्फ जाने का एक ही रास्ता है, तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। इसको सुनकर पेस्ट्री के फादर बोलते हैं, तो वो जगह कौन सा है? तभी पेस्ट्री बोलता है, वो चर्च है। इसके बाद पेस्ट्री ये भी बोलता है कि चर्च एक ऐसा जगह है जिसको लोग सैंक्टिफिकेशन के अलावा यूज नहीं करते। यहाँ पर पेस्ट्री ये भी बोलता है, ज्यादातर लोग यहाँ पर चर्च में सिर्फ सैंक्टिफिकेशन के लिए आते हैं, अगर हम लोगों ने लेडी पेट्रा को यहाँ पर रखा तो किसी को भी इसके बारे में अजीब नहीं लगेगा। और एंगेजमेंट के अनाउंस के बिल्कुल पहले ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम लोग एंगेजमेंट अनाउंस के जगह जा सकते हैं। इसके बाद पेस्ट्री के फादर भी सोचते हैं, हाँ आइडिया तो बढ़िया है। इसके बाद पेस्ट्री जाने से पहले एक और लेटर अपने फादर को देता है और बोलता है, ये मिस्टर डेकोको का सप्लाईज को डिलीवर किया हुआ इनवॉइस है, आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद पेस्ट्री जैसे वहां से जाने ही वाला था तभी पेस्ट्री के फादर एक बार फिर से पेस्ट्री को रोक लेते हैं। पेस्ट्री के फादर इसके बाद गुस्सा होकर बोलते हैं, पेस्ट्री ये सब क्या है, बोंका और शुगर के बारे में यहाँ पर क्या लिखा है? पेस्ट्री के फादर इसके बाद बोलते हैं, तुमने क्या सोचा, तुम अपने पेरेंट्स को इतने जल्दी बुद्धू बना लोगे? अभी मैं इन सबको अलाउ नहीं कर सकता। इसके बाद पेस्ट्री भी बहुत ही दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और फाइनली जाकर वो दिन आ जाता है जहाँ पर ह्यूबरिक फैमिली आने वाले थे। ह्यूबरिक फैमिली आने के बाद लॉर्ड ह्यूबरिक को पेस्ट्री के फादर और पेस्ट्री अपने अपने ग्रीटिंग्स करते हैं। पेस्ट्री के फादर यहाँ पर मनीमन सोचते हैं, मैं उनको नहीं बता सकता कि पेस्ट्री यहाँ पर हमारे प्लान का हिस्सा है। यहाँ पर लॉर्ड ह्यूबरिक बोलते हैं, ओ लॉर्ड पेस्ट्री, आप अभी लंबे हो चुके हैं, सिर्फ 2 ही महीना हुआ है हम लोगों को मिले हुए, आजकल के बच्चे बहुत ही ज्यादा जल्दी बड़े हो जाते हैं। इसके बाद लॉर्ड ह्यूबरिक अपने कैरेज का दरवाजा खोलते हैं जहाँ पर उनके दो ट्विन डॉटर्स थे, लेडी पेट्रा थी ह्यूबरिक फैमिली की थर्ड डॉटर और लेडी लिकोरिस थी लेडी पेस्ट्री की ट्विन सिस्टर। इसके बाद पेस्ट्री और लेडी पेट्रा एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। इसके बाद लेडी लिकोरिस भी बाहर निकलती है। यहाँ पर पेस्ट्री बोलता है, बहुत दिन बाद मिले लेडी लिकोरिस। लेकिन लेडी लिकोरिस बोलती है, हाँ सही कहा। लेकिन इससे गुस्सा होकर लेडी पेस्ट्रा बोलती है, अरे ये कैसा ग्रीटिंग हुआ, तुम इसको ग्रीटिंग बोलती हो? इसके बाद लेडी पेट्रा अपनी बहन की तरफ से पेस्ट्री से माफी मांग लेती है। इसके बाद पेस्ट्री भी कैरेज के अंदर आता है और उन लोगों के साथ लोकल चर्च की तरफ जाने लगता है। जाते जाते यहाँ पर पेस्ट्री की डैड लॉर्ड ह्यूबरिक को अपना प्लान बताते हैं। यहाँ पर लॉर्ड ह्यूबरिक ये भी बोलते हैं, हम लोगों ने जैसे कि सोचा था, कुछ लोग मेरी डॉटर को चोट पहुँचाना चाहते हैं, मैं उन लोगों को तुम्हारे हाथों पे छोड़ता हूँ। पेस्ट्री की डैड बोलते हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग देख लेंगे, आप हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं।
इसके बाद फाइनली जाकर वो लोग चर्च पे पहुंच जाते हैं। वो लोग जैसे ही चर्च पे आते हैं तभी कुछ लोग कैरेज के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेस्ट्री और पेस्ट्री के फादर उन सभी को रोक लेते हैं। पेस्ट्री जब उन लोगों के साथ फाइट कर रहा था तभी उनमें से एक बंदा पेस्ट्री को पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, जिसको देखकर लेडी पीटरा काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी पेस्ट्री के डैड पेस्ट्री को बचाने के लिए आ जाते हैं। पेस्ट्री के डैड बोलते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद फाइनली जाकर सभी का काम खत्म हो जाता है। यहाँ पर लॉर्ड ह्यूबर्ग बोलते हैं, इसके लिए शुक्रिया लॉर्ड मॉर्टलिन, आप मेरे डॉटर्स के साथ आगे जाइए, मैं उन लोगों को देख लेता हूँ। इसके बाद वो सभी चर्च के बेसमेंट की तरफ जाते रहते हैं, लेकिन लेडी पीटरा लेडी लिकोरिस के आगे आगे चल रही थी, जिसे लेडी लिकोरिस थोड़ा यहाँ पर डर जाती है। लेकिन तभी पेस्ट्री आता है और पेस्ट्री आकर लेडी लिकोरिस की हाथ पकड़ लेती है। पेस्ट्री बोलता है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। लेडी लिकोरिस यहाँ पर थोड़ा एम्बैरेस फील करती है। लेडी लिकोरिस सोचती है, पेस्ट्री मुझसे यंगर है लेकिन वो काफी रिलायबल है, मैं सोचता हूँ कि क्या वो मेरे साथ मेरी सिस्टर का कंपेयर कर रहा है। इसके बाद फाइनली जाकर वो सभी अपनी जगह पे पहुंच चुके थे। यहाँ पर लेडी पीटरा बोलती है, क्या यहाँ पर सर्टिफिकेशन सेरेमनी होने वाली है? लेकिन पेस्ट्री बोलता है, हम लोग मेरे फादर के टेलीपोर्टेशन मैजिक से सीधे कैपिटल पे चले जाएंगे। पेस्ट्री जब ये सब कुछ बात बोली रहा था तभी लॉर्ड ह्यूबर्ग ये सब कुछ पीछे से सुन लेते हैं और काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं, तो रूमर बिल्कुल सही थे, वो अच्छी तरीके से जानता है कि वो क्या कर रहा है। लॉर्ड ह्यूबर्ग को इतना जल्दी आते हुए देखकर पेस्ट्री के डैड बोलते हैं, लॉर्ड ह्यूबर्ग आप तो काफी जल्दी आ गए। लॉर्ड ह्यूबर्ग बोलते हैं, अरे हाँ मेरे लोगों ने बाकी का काम संभाल लिया। इसके बाद पेस्ट्री बोलता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। इसके बाद सभी मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फाइनली जाकर वो सभी ट्रांसपोर्ट होकर बोवाल्डिया में आ जाते हैं। और दैट्स इट फॉर द एपिसोड नंबर 4। तो एपिसोड नंबर 4 तुम लोगों को कैसा लगा जरूर से मेरे को कमेंट करके ऑब्वियसली बताना। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।